The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, swagat hai aap logon ka. Main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj baat karenge hum senior citizens ko kis prakar se protection dete hain medical field mein. कौन कौन से ऐसे वैक्सीन्स, कौन कौन से ऐसे शॉट्स, इम्यूनाइजेशन जो नॉर्मली आपने बच्चों में देखी है सीनियर सिटीजन्स को लगनी चाहिए. जी हाँ, रिकमेंडेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, और ये सेम प्रोटेक्शन जो बच्चों को वैक्सीन से मिलता है जो समय के साथ कम होता जाता है, ये बड़े होके बड़ों को भी देना चाहिए. एडल्ट वैक्सीन अपने आप में एक अलग टॉपिक है और सीनियर सिटीजन एल्डरली वैक्सीन अपने आप में एक अलग टॉपिक है. सो आप वैक्सीन कोई भी इंसान लेता इसलिए है ताकि वो ऐसी बीमारियां जिनको प्रिवेंट किया जा सके, अपने जॉब, अपने लाइफ, अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ कंडीशन के अनुसार उनको बीमारियों के अनुसार वैक्सीन दी जाती है. सो हर एडल्ट को, दुनिया के हर एडल्ट को इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इम्यूनाइजेशन से प्रोटेक्शन मिलता है उनको ऐसी कोई भी बीमारी के ना सिर्फ फैलने से बल्कि उससे जानलेवा कोई डेंजरस बीमारी नहीं होती. ऐसे में बीमारी नहीं होने का रिस्क नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि जीरो बीमारी ही नहीं होगी. ऐसा ज़रूर होता है कि बीमारी जानलेवा नहीं होगी. सो एडल्ट्स जो हैं, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, हर साल सीजनल फ्लू के लिए वैक्सीन लगाते हैं. फ्लू वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है किसी भी पर्सन के लिए. इवन कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है, प्रेग्नेंट है, या कोई उम्र में एल्डरली है, उनके लिए हर एडल्ट को ये लगानी चाहिए फ्लू वैक. और वैसे 6 महीने के ऊपर सबको लगानी चाहिए, 6 महीने के छोटे बच्चे को नहीं लगती. इसके अलावा हर एडल्ट को टी डैप वैक्सीन लगनी चाहिए. जब भी वो इसमें टी डैप में परट्यूसिस, वूपिंग कॉफ, टिटनस और डिप्थीरिया का शॉट होता है, वो हर 10 साल में एक बार लगता है. और प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन लगती है जो कि 27 to 36 weeks के अंदर. लेकिन अगर हम बातचीत करें बुढ़ापे में, राइट, जैसे हमने अभी बातचीत कर ली, एक तो एडल्ट एज में एक और वैक्सीन लगती है 12 साल में लेडीज़ को, जो है HPV वैक्सीन. फीमेल्स को, ये फीमेल को लगनी ज़रूरी है HPV प्री टीन्स में. और HPV वैक्सीन वैसे सबको लग सकती है, एवरीवन कैन गट अराउंड 26 की एज में मेल्स फीमेल्स दोनों को लग सकती है. और याद रखिए 26 साल के ऊपर ये ज़्यादा ये रेकमेंडेड नहीं है HPV की वैक्सीन. हेपेटाइटिस HPV जो हमारा वैक्सीन है उसको रेकमेंडेड नहीं है. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सॉरी ना भूल गया था. सो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हर एक को रेकमेंडेड नहीं. ये बेसिकली जेनेटल वार्ड्स या सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए होती है. ये 26 साल से नीचे देनी चाहिए, बेस्ट 11 से 12 की उम्र में. इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. कुछ और वैक्सीन्स आती हैं जो एडल्ट एज में दी जाती है मेनिनजाइटिस के लिए, मेनिंजोकोक्सल वैक्सीन, और फ्लू वैक्सीन तो है ही. लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो हम आज करने वाले हैं वो है एल्डरली की. याद रखिए एल्डरली में एक बीमारी है जिसका हर एक को इम्पॉर्टेंट होता है, एक एक करके बात करेंगे. एक है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन जो PPS V23 प्रोटेक्ट करती है सीरियस न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है इन्फेक्शन से, जो कि आपको मेनिनजाइटिस कर सकता है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम में आ सकता है, पूरा बहुत जोरदार इन्फेक्शन है. अगर 60-65 के ऊपर ये इन्फेक्शन हो जाता है जो जानलेवा हो सकता है. इस बीमारी के लिए भी वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, और एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी है जो प्रोटेक्ट करती है सीरियस न्यूमोकोकल डिजीज जैसे निमोनिया को भी. सो इसमें एक पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है PCV13 PPS V23. इसके अलावा शिंगल्स नाम की बीमारी है जो शिंगल्स वायरस से प्रोटेक्ट करती है. 50 साल के ऊपर इसको लगाया जाता है शिंगल्स को. और जो 65 साल के ऊपर है जिन्होंने कभी न्यूमोकोकल पॉलीसेकॉन्जुगेट वैक्सीन नहीं लिया है, तो फिर वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि उनके लिए PCV 13 अप्रोप्रिएट है या नहीं. ठीक है, उसके बाद में जो एडल्ट्स हैं जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है,
मान लो कोई बीमारी है तो उनको कौन कौन सी लेनी है। याद रखिए सीजनल फ्लू वैक्सीन तो सभी को लेनी है, और टिटेनस और डिप्थीरिया टी डी और टी डैप ये भी बहुत ज़रूरी है जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई सीरियस कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लिवर डिजीज़, लंग डिजीज़, आस्थमा, रीनल किडनी डिजीज़, या फिर HIV इन्फेक्शन, वीक इम्यून सिस्टम, या फिर एस्प्लीनिया, ऐसी कोई भी, तब फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि आपके लिए स्पेसिफिक ये सारी वैक्सीन्स विथ इन एडिशन टू दिस सीरियस डिजीजेज आपके एरिया में कौन कौन सी है उसकी वैक्सीन लगाई जाती है। याद रखिए जो लोग इस तरह से हेल्थ कंडीशन से पीड़ित होते हैं उनको और ज़्यादा सीरियस वैक्सीन्स लगती हैं और ज़्यादा सीरियस बीमारियों से बचाना ज़रूरी हो जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे बचाना ज़रूर हो जाता है। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद अगर कोई प्रेग्नेंट है, मान लीजिए प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लगती हैं। मैंने बताया था प्रेगनेंसी में आपको टी डैप लगती है 27, बिटवीन 27 टू 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेफरेबली ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस पीरियड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्ट्यूसिस, वूपिंग कॉफ। फ्लू शॉट लगता है फ्लू सीजन में अक्टूबर और मई के बीच में, मई अक्टूबर, और ये हेल्प करता है इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए। इसके अलावा और भी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको, प्लस जो लोग जैसे मैंने बताया बीमार ज़्यादा होते हैं या कोई क्रोनिक डिजीज़ होती है, जो कुछ अपनी डिजीज़ के वजह से हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते रहते हैं उनको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की ज़रूरत होती है। MMR, मीजल्स, मम, रुबेला, अगर वो 1957 से बाद में बॉर्न हुए हैं तब उनको ज़रूरत होती है, और चिकन पॉक्स, वेरिसेला, उसकी वैक्सीन देनी होती है, मेनिंगोकोकस की वैक्सीन देनी होती है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, राइट। ये सारी हेल्थ केयर वर्कर्स को तो लगती रखती है, साथ में जो लोग हॉस्पिटल ज़्यादा एडमिट होते रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे रिकमेंडेशन डायरेक्ट आपको सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल CDC से हम दे रहे हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप यू कैन, अगर आपने ये सब नहीं लगाई है, लगाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से जाके बात करें, आपके एरिया में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ये वो बताएंगे आपको। और ये जगह टू जगह इम्पोर्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है। कुछ जगहों पे न्यूमोकोकस वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कुछ का, कुछ और जगह पे। याद रखिए वैक्सीन गारंटी नहीं लेता कि ऐसी इन्फेक्शन आपको नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी तो आपका शरीर उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए ज़्यादा सक्षम होगा और ज़्यादा जल्दी आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज़ द उपदेश ऑफ द वैक्सीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।